रात अकेली है, ये नाम से ही काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के सामने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रात अकेली है का रिव्यू लेके आया हूँ। ये फिल्म 2.5 घंटे की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और इस फिल्म के लीड एक्टर रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, इला अरुण की भी एक्टिंग आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ये फिल्म क्राइम ड्रामा बेस्ड स्टोरी है। ये फिल्म स्टार्ट होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, जो कि एक छोटे से शहर में कॉप्स की भूमिका में है, और उनको एक केस सॉल्व करने को मिलता है, जो कि केस तो काफी बड़ा रहता है। एक पॉलिटिशियन का मर्डर हुआ रहता है, और पॉलिटिशियन का मर्डर उसी दिन होता है जिस दिन राधिका आप्टे उस पॉलिटिशियन के घर में बहू बनकर आती है, और वो केस नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथ में आता है, और एक कॉम्प्लेक्स फैमिली का कॉम्प्लेक्स केस नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सीक्रेट गेम के बाद एक बार फिर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे को एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस फिल्म में आप देखेंगे काफी चीजें हैं, काफी ट्विस्ट और टर्न है, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म काफी अच्छी है, मुझे तो काफी पसंद आई और आप लोगों को भी काफी पसंद आएगी। राधिका आप्टे काफी दिनों के बाद कम बैक किया है, वो आपको इस फिल्म में उनकी एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मेरा ये सजेशन है कि ये फिल्म जरूर देखिए और आप लोगों को काफी पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों।